The Panthers Party workers on Sunday staged a protest at the Jantar Mantar, New Delhi, demanding fresh assembly elections in the state and the dismissal of prevalent governor's rule. Party Chairman Harsh Dev Singh said that the imposition of the governor rule in J&K is unconstitutional. Jammu and Kashmir National Panthers Party ne yahan Jantar Mantar pe ek dharna pradarshan rakha hua hai. Hamari ye mang hai ki Jammu Kashmir ki jo assembly hai usko bhang kiya jana chahiye aur naye sire se Jammu Kashmir mein chunav hone chahiye. हम ये समझते हैं कि गवर्नर रूल को प्रोलॉन्ग करना जो है वो गैर आइनी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि मौजूदा स्थिति में जम्मू कश्मीर में कोई भी इमरजेंसी नहीं है जिसकी वजह से गवर्नर रूल को जारी रखा जाए. स्थिति वहां इस वक्त ये है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज का कॉम्बिनेशन इस स्थिति में नहीं है कि सरकार बना सके, और जो आईनी जो इस वक्त गवर्नर साहब का एक जिम्मेदारी बनती है कि मौजूदा हालात में इस असेंबली को भंग किया जाए और नए सिरे से चुनाव जो है वो करवाए जाए. गवर्नर रूल को तभी लागू रखा जा सकता है जब रियासत के अंदर चुनाव का माहौल जो है वो नहीं हो, लॉ एंड ऑर्डर स्थिति जो है वो इस काबिल नहीं हो कि वहां चुनाव कराए जा सकते हो. लेकिन ऐसी कोई भी स्थिति जम्मू कश्मीर में नहीं है, और हम ये समझते हैं कि ये जानबूझकर गवर्नर रूल को वहां जारी रखा गया है ताकि केंद्र सरकार प्रॉक्सी से गवर्नर के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो वहां प्रॉक्सी रूल चला सके, जिसकी हम कड़ी मजम्मत करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं. और पैंथर्स पार्टी ये चेतावनी देना चाहती है कि सड़कों के ऊपर प्रदर्शन होगा और कोर्ट के अंदर भी पैंथर्स पार्टी जो है लड़ेगी अगर जल्द से जल्द जो है जम्मू कश्मीर के अंदर राज्यपाल शासन जो है वो खत्म करके असेंबली को भंग नहीं किया जाता और नए सिरे से चुनाव जो है वो नहीं करवाया जाता. द सेंटर हैड इम्पोज्ड गवर्नर रूल इन जम्मू एंड कश्मीर फॉलोइंग द डेथ ऑफ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सईद. करेस्पॉन्डेंट योगेश गोयल फ्रॉम न्यू दिल्ली फॉर ANI.